अभी हमारे साथ में मौजूद है राजू भाई, चीता कैंप के जाने माने हस्ती राजू भाई यहाँ पे मौजूद है। और राजू भाई आप वैकेशन से कब आए? मैं कल रात में आया हूँ। कुछ मतलब आप वैकेशन में थे? वैकेशन में नहीं था भाई, मैं फार्म हाउस पे गया था, उधर ही अटका होता कोई आई पे कोई मीटिंग थी, तो मेरे को उधर से इधर आना पड़ा एक दिन के लिए, मैं वापस चले जाऊँ। अच्छा अच्छा, मतलब वापिस जा रहे हैं आप? वापस जाऊँ, इधर क्या करूँ। राजू भाई, चीता कैंप का माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब चीता कैंप में जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो क्राउड कंट्रोल है क्राउड कंट्रोल नहीं हो रहा है, पुलिस अंदर घुसने से मना कर रही है, पुलिस खुद इन्वॉल्व नहीं होना नहीं चाहती है, और बाजार का माहौल देखो तो बाजार काफी क्राउड से भरा हुआ है, मतलब कोई लेडीज ना बच्चे ना कोई सुनने को तैयार नहीं। देखो कैसा है ना, पहले पुलिस ने बहुत मेहनत करी, पब्लिक को मारी, खुद के ऊपर बदनामी ली, सब करी पुलिस ने, किसके लिए करी ये पब्लिक को, लेकिन पब्लिक सुनने को राजी नहीं, तो आज पुलिस ने छोड़ दी। आज पुलिस उनके पीछे लग लग के 1000 के ऊपर पुलिस वालों को कोरोना हो गया, कितने पुलिस वाले मर गए, तो वो भी छोड़ दिया। अभी कितना दिन आज एक एक घर में किसको कितना समझाई, अब सुनने ही राजी नहीं है तो मरे बोल के छोड़ दिया। आज क्या मैं सुना, मैं आया इधर पे तो 12 दिन में 52 मैयत कुछ हो गई, 12 दिन में 11-12 दिन में इतनी मैयत हो गई, तो अभी नहीं समझ में आ रहा, तो क्या दिन में 100-100 मरेंगे तब समझेंगे? इनको समझ में नहीं आ रहा ये बीमारी नहीं है, ये वायरस है, जब तक एक दूसरे को टच होएगा तो ये बढ़ेगा, एक दूसरे पे पहुंचेगा। चाइना इतना गवर्नमेंट समझा रही, सब समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे, इधर रह के मतलब क्या है बताओ। लेकिन कहीं कुछ जगहों पे ऐसी भी देखा गया कि जहाँ पे टाइफाइड हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, डॉक्टर डायरेक्टली उसको इंस्पेक्ट कर चेक करने के बाद में डायरेक्टली कोरोना सस्पेक्टेड बोल दिया जाता है, तो वहाँ पे मतलब आवाम जो है काफी परेशान होती है, गली सील करने का डर होता है। तो ये नहीं नहीं, कैसा है देखो, अभी तुमको खुद ही अगर सर्दी है खांसी है ये कोरोना के सिम्टम्स है, वो सर्दी नॉर्मल भी हो गए तो वो सिम्टम ये लोग गिनेंगे ना, जब तक तुम उसके अंदर जाओ सीधा ये करा लो ना, उसका टेस्ट करा लो, खत्म हो जाएगा। अगर पॉजिटिव निकलता है तो तुम उसमें इलाज करा सकते हो, नेगेटिव निकलता तो घर पे आ सकते हो, तो तुमको उसमें हो जाएगा बस सर्दी खांसी नॉर्मल है। लेकिन तुम डर के मारे, आज कल डर के मर जा रहे आदमी, नहीं करा खौफ से ही मर जा रहे, तो खौफ से मरने से अच्छा लड़ के मरो ना, तो तुम जाओ लड़ लो उस चीज से, तो चलो भाई हाई आर या पार, होगा तो हम दवा ले, नहीं होगा तो, और ऐसे में कैसा ना दवा ले रहे ना कुछ, फुगड़ मर जा रहे, कोशिश ही नहीं कर रहे बचने की, तो क्या करेंगे। नहीं, कुछ लोग में ऐसा देखा गया जहाँ पे हम लोग पॉजिटिव रिकॉर्ड करते हैं, पॉजिटिव जब बीएमसी का रिपोर्ट आता है, बीएमसी का रिपोर्ट आने के बाद में जब हम लोग इन्फॉर्म करते हैं तो उसके बावजूद पब्लिक हम पे नेगेटिव बोलना शुरू कर देती है कि आप लोग गलत बोल रहे हो, चीता कैंप में कोई पॉजिटिव केसेस नहीं है, इसके बारे में नहीं 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 बहुत है पॉजिटिव, एक गलत बात है ऐसा, चीता कैंप में कोई मानने को रेडी नहीं कि चीता कैंप में कोरोना वायरस पॉजिटिव है। अरे भाई मेरे को तो एक इधर चीता कैंप को एक आदमी, अच्छा जाना माना आदमी, वो क्या बोलता है कि ये ना एक स्कैम है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, एक स्कैम है ये, मतलब स्कैम किधर, महाराष्ट्र के लिए, इंडिया के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए स्कैम है, पागल जैसी साइंस किधर है। और पत्रकार में गई तुम्हारे एक आदमी ऐसा बोला, मेरे को समझाना पड़ा भाई ये ना ये वायरस बना के छोड़ा, ये वर्ल्ड वार के जैसी लड़ाई है ये, एक देश दूसरों एक दूसरे को नीचे गिराने के चक्कर में पब्लिक मर रही है इनकी, ये नहीं। और जो पढ़े लिखे लोग ऐसा बोलेंगे तो यार उसको क्या जवाब देगा आदमी, एक तुमको दिख रहा है खुला खुला वायरस है, इतनी बड़ी बड़ी लोग न्यूज़ पे बैठ के बोल रहे हैं कि भाई ये देश ने वायरस बनाया, इसको इधर गिराने के लिए उठाने के लिए ये सब चला, हजारों में लोग मर गए, आज अमेरिका जैसे इसमें 84-85,000 लोग मर गए, हमारे इंडिया के साथ चल रहा था वो, इंडिया का आंकड़ा उनका आंकड़ा कितना फास्ट है, एक साथ में उधर पर ग्रोथ हुआ, लेकिन फिर तो भी इतना फास्ट उधर मर गए, लेकिन इधर इधर समझेंगे कब, इधर भी जब आपके सामने मरोगे मरेंगे भाई, दिन में आज 100 मरे 50 मरे, कब सुधरोगे क्या, जब तक बहुत देर हो जाएगी, जब तक सब जगह फैल जाएगा। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में भी ये उंगली उठ रही है कि मतलब जब कम था तभी इतना टाइट लॉकडाउन किया था, जब बढ़ रहा है तो मतलब धीरे धीरे लॉकडाउन रिलीज किया जा रहा है। गवर्नमेंट भी कैसा ना भाई, देखो गवर्नमेंट को भी पैसा बंद हो गया ना, गवर्नमेंट के ऊपर उल्टा ये बंद करने से उनके ऊपर जिम्मेदारी आ रही, बंद है तो तुम खिलाओ, तब गवर्नमेंट कहाँ से खिलाएगी इतने को, तो ये बोले भाई छोड़ दे खुला छोड़ दे, जाओ काम भी करो खिलाओ भी और गवर्नमेंट को रिन्यू भी दो, तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी, गवर्नमेंट की सुन रहे क्या लोग, फिर भी घूम रहे, वो भी गवर्नमेंट भी छोड़ दी कि भाई चलो तुम भी घूमो और हमारे को भी दो, क्या करेंगे। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये एक चुटकुले दिखाया जा रहा है कि मतलब मस्जिद और मंदिर बंद और शराब खाना शुरू। हाँ तो आज की तारीख में तो ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट एक जोक में देख रहा है, सरकार भेड़े को बोल रही दारू पी तो गवर्नमेंट चलेगी, ऐसा हो गया तो आधे से ज्यादा तो रेन्यू उधर से आता है। नहीं मतलब गवर्नमेंट मतलब इतनी मजबूर है कि मतलब शराब खाना शुरू करने पे, अभी पब्लिक को सोचना चाहिए ना, अभी वो तो नॉर्मली हर चीज जैसा राशन की दुकान खोली वैसा दारू का वैसा मेडिकल सब चीज थोड़ा थोड़ा खोलना चाहिए, और खोलेगी तो उनको उसमें रेन्यू ज्यादा है, लेकिन पब्लिक ऐसे टूट पड़ी राशन की दुकान पे इतनी लाइन नहीं है जितनी उधर क्राउड है, और जो लोग राशन फ्री मांग रहे थे ना वो लोग उधर पैसा लेके दारू लेने खड़े हुए, ये भी देखने मिला, एक्स्ट्रा पैसा देने वो भी डबल में लेने राजी है, ये कैसा देगी।
राजू भाई बात करें चीता कैंप सैनिटाइज करने की, मतलब आप लोग की टीम ने भी कोशिश किया, तो मतलब ये पूरी तरह सैनिटाइज कब होगा? मतलब अभी तक कोई भी आवाज नहीं उठाया कि पूरी तरह कंप्लीट सैनिटाइज होने के लिए। देखो पूरी जो लोग पावर में है वो लोग करना चाहिए, गवर्नमेंट करना है, लेकिन मेरे पास से जो हो रहा है, मेरी टीम में से जो हो रहा, जिधर जिधर कोरोना के पॉजिटिव निकल रहे वो गली में एरिया वाइज मेरे लोग तो कर रहे जाके, वो मेरी टीम तो वो लोग जिधर हर दिन डेली जाके किधर ना किधर करते, जिधर भी कोरोना का पेशेंट मिला या कोई बीमार हुआ, जिधर मौत हुई उनके घर के आजू बाजू गली सब जगह वो लोग जाके कर रहे हैं। और एक इशू और देखा गया कि मतलब यहाँ पे जो मस्जिद है जहाँ पे कफन के लिए फ्री ये कफन का कपड़ा दिया जाता था, कफन का जो मटेरियल दिया जाता था, लेकिन अभी यहाँ पे चार्जेस लगना शुरू हो गए, उसके उसके बारे में भाई जैसे देखो ये दो ट्रस्ट के लपड़े में मेरे पास आए थे दोनों मिलके और अपने हाथ में दिए थे, तो मैं अकबर भाई इरफान लोग के हाथ में दिया था चलाने, हिसाब मेरे को ला के दिखा देते थे कि ये जुमा जुमा का एक कलेक्शन आया और ये इतना खर्चा है मस्जिद में, उसमें जो कम ज़्यादा रहता था तो मेरे अंडर आया तो उस टाइम दोनों के बीच में अपने अंडर आया था अपने संभालने के लिए ले रहे थे, तो मेरे अंदर पावर था तो मैं उसमें जो पगार थी वो बढ़ा दिया, जो कफन था वो फ्री करा के दे दिया, क्यों करा के, जिधर कम ज़्यादा होता तो मैं खड़े रह के उसमें पैसा दे देता था, वो मेरे को आखिरत में मिलेगा। तो ये चीज जब भी तो मतलब इसमें जो अकाउंट था वो भी ब्लॉक था, जो अकाउंट में डाल सकते निकाल नहीं सकते थे, तो बहुत पैसा 13-1 लाख रुपए अपने जब भी दिए वो पैसा अपने ये लोग की तरफ से पब्लिक का दिया हुआ डाल के दिया, उससे पहले 1-2 करोड़ रुपया था, अब वो लोग सबसे चीज रिलीज हो गया तो ये लोग कफन का पैसा लेना चालू किया, गलत है। अभी तो मौत ज्यादा हो रही, आदमी को खाने को नहीं है, कफन का पैसा ये पब्लिक का पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक के पैसे से चंदा होता है, उधर मस्जिद में पैसा जाता, तो आवाम को ही जान, जो पैसे वाले वो डालते हैं, जो पैसा नहीं है जिनके कफन लेने की ताकत नहीं, हर कोई तो फ्री नहीं मांगा, जिस ताकत नहीं उसको फ्री देना चाहिए था, ये लोग ये किए गलत है। कि अगर मैं बोला अगर तुमको लगता है उधर पैसा किधर कम पड़ रहा है तो वापस कफन के लिए का मेरे को कांटेक्ट करो मैं दे दूंगा। अच्छा मतलब वापस आप कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी? मेरे कफन के लिए पैसा तो मैं अभी भी जिधर भी जो भी आता है तो मैं बोल के रखा हूँ, जो भी कफन के लिए आएगा बोलेगा 1 रुपए 10 रुपए दिन में मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा। और अभी तुमको भी अगर उसमें कम आ रहा है तुम कफन फ्री दो, बताओ कि इसमें भाई कम पड़ रहा है इतना पैसा हमारे को इलेक्ट्रिक में, इसमें पगार में कम पड़ रहा है, मेरे से लेके जाओ। तो मतलब टोटल अभी मतलब जो अकाउंट में बैलेंस है नूर मस्जिद के अकाउंट में बैलेंस है कितना अमाउंट है? वो पहले का लोग के अकाउंट में लफड़े के अंदर 1 करोड़ चिल्लर कुछ था अकाउंट में, और अभी बाद में 13-1 लाख रुपया ये लोग जब चला रहे थे तभी भी पब्लिक डाल सिर्फ डाल सकते थे निकाल नहीं सकते, वो पैसा उसमें, लेकिन वो पैसा आवाम का पैसा है ना, वो आवाम को वापस लगना चाहिए था। आज तुम वो चीज़ के लिए तुम मतलब ये लोग लड़ के दोनों पार्टी के पैसा खाने के लिए, अगर तुमको अगर चलाने का इतना शौक था, मदद करने का इतना शौक था तो आज उसमें मिला के दो ना तुम, अभी मस्जिद में पैसा वो डाल के दो कम पड़ रहा है तो, और नहीं तो अपने पास से डालो, तुम गांव का पैसा फिर कफन बेच के तुम उसमें पैसा डालोगे क्या मतलब है? यहाँ पे जो लोकल समस्या ये भी देखा गया कि मतलब जो लोकल डॉक्टर्स है जो क्लिनिक्स वगैरह थे वो लोग अभी फिलहाल शटर बंद करके भाग चुके हैं, तो मतलब उनके ऊपर कभी कार्रवाई होगी? मतलब जब कमाने के टाइम पे वो लोग काफी कमा चुके हैं, जब परेशानी झेलने का टाइम आया तो भाग चुके हैं, मतलब कोई भी डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं? कौन से डॉक्टर भाग? बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है जो लोकल क्लिनिक चलाते थे वो लोग क्लिनिक चलाते हैं, या तो उनको आने जाने में प्रॉब्लम रहेगा या तो खुद वो लोग डरे हुए होंगे क्योंकि इधर कोई दूरी या कुछ मान ही नहीं रहा है, तो वो अपनी अपनी जान को डर के गए रहेंगे, या तो फिर बहुत से लोग तो खुले भी है, मैं देखा इन डॉक्टर मेरे इधर का और 2-3 जगह तो खुले भी है, और जो लोग नहीं आ रहे उनको इधर वाले लोग कांटेक्ट करना चाहिए, या उनकी खुद की प्रॉपर्टी या जो रेंट वाले वो लोग से कांटेक्ट नंबर लेके बात करके बुलाना चाहिए, नहीं अगर आज नहीं आएगा तो आइंदा भी नहीं खोलने देंगे। यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल की अगर बात किया जाए, हॉस्पिटल में ये देखा गया कोई भी इमरजेंसी सर्विस नहीं है, मतलब अचानक से अगर किसी को अटैक आता है या फिर उसको जो जो फर्स्ट एड देना था फर्स्ट एड के लिए भी कोई इमरजेंसी फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे कोई हॉस्पिटल्स पे, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? इसकी वजह से काफी मौत हो रही है, यहाँ पे साइन लेके जाने यहाँ पे बाहर लेके जाने की वजह से मौत हो रही है। भाई अभी इतने कितने साल हो गए बन के चीता गेम 40 साल हो गए, इतनी बड़ी बड़ी दो हॉस्पिटल अपने बीएमसी की है, वो जो शताब्दी में उससे ज्यादा फैसिलिटी दिला सकते हैं, ये हमारे आगे के नेता लोग करे रहते तो आज हमको ये तकलीफ नहीं होती, हम प्राइवेट में क्यों बात करें? इतनी बड़ी उधर सुरु इतनी बड़ी जगह है उधर सब चीज, अगर हमारे एमपी एमएलए लोग सब मिलके उधर पे सब चीज लेके आते थे, बीएमसी गवर्नमेंट का ही काम है ना वो करते, तो आज उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं ना, इधर पे हर 10 आदमी पे 100 आदमी पे एक बेड है कुछ, इधर कितने लोग रहे? 2-3 लाख लोग है, कितने बेड का इधर बेड रहना चाहिए, डॉक्टर रहना चाहिए, नर्स रहना चाहिए, नहीं है, क्यों नहीं ये करेंगे कौन? मेरे अंदर तो पावर नहीं, जो पावर वाले उनका काम है सब करना चाहिए। आवाम के लिए क्या मैसेज होगा? आवाम के लिए यही मैसेज है, सुनते नहीं ये लोग का, यही मैसेज है कि भाई तुम इसको लाइट मत लो, ये जैसे जैसे और अब एक इसमें तो मैं सुना कि जैसे चाइना से ज्यादा इंडिया में मौतें होंगी, क्योंकि इंडिया वाले समझ ही नहीं पा रहे, ये लोग को लग रहा है ये स्कैम है, ये है इनको बीमारी, या ये बीमारी नहीं है, मैं दस टेम्पल बीमारी नहीं है, वायरस है छोड़ा गया, वो जब तक एक दूसरे को टच हो गए संकली बनते रहेगी बढ़ता रहेगा, आज मैं घूम के आऊंगा बाहर लेकिन मैं घूम के आया मेरे अंदर है, मैं कवर कर लूंगा, हल्दी दूध पिया या मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन मेरे बच्चे को लगेगा, मेरे उम्र से बड़े वाले किसको लगेगा? तो वो लोग अटैक
अटैक में वो लोग चले जाएंगे, तो ये आदमी ये नहीं सोच रहा मैं जाके आ रहा मैं ठीक हूँ, दूसरे को क्यों मार रहे हो तुम लोग, तुम तुम्हारे घर में फैमिली से प्यार करते हो तो मत बिना जरूरत के निकलो मत, जरूरत पड़ती तो फिर तुम क्या है, तो खाने के लिए आदमी मार के मर सकता कोई बात नहीं, लड़ के मरो, ये डर के मरने वाली बात नहीं, या तो डरो मत या तो सेफ्टी तो करो, क्या है दूर रहो। मैं कहा मैं भी किससे भी मिलता, बुरा मानेगा चलेगा भाई, दूर करके बात कर दूर भाई, मैं आज आईपीएस ऑफिसर लोग से मिल रहा हूँ, वो कितना दूर यार, दो इतना 20 फीट दूर बैठ के बात करके भी मेरे को बोलते हैं मास्क लगा के बात करो, सोचो थोड़ा है। इतने तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं पढ़े लिखे नहीं है इसके वजह से? अरे वो लोग पढ़े लिखे लोग इतना ये कर रहे हैं, हाथ सैनिटाइज धो रहे, किधर टच नहीं करा रहे, ये सब करने के बाद मिलने वाले आदमी को तो लोग पढ़े लिखे उनको मालूम है, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये अभी मैं जाहिल नहीं बोल रहा हूँ, पढ़े लिखे नहीं लोग है, जो पढ़े लिखे वो लोग को भी इधर पे मतलब दिमाग में डाल दिया, नहीं जो करेगा अल्लाह करेगा, बेशक अल्लाह करेगा, लेकिन अल्लाह ने बोला ना, अल्लाह ने अभी हुजूर ने बोले कि भाई तूफान आया आंधी आया कुछ भी आया तो घर में नमाज पढ़ लो, क्यों वो आंधी तूफान में भी जाओगे तो अल्लाह कर चाहेगा तो ही मरोगे, लेकिन क्यों एहतियात बरत ने बोला कि नमाज घर में पढ़ लो, अगर ऐसे हालात है तो तुम बाहर मत निकलो, क्यों एहतियात करने बोला गया ना, तो ये चीज मानना चाहिए ना। तो अभी तुम जब तक वो बीमारी से डर के जब तक नहीं बैठोगे, अब बिना मतलब के घूम के क्या मतलब है, एक से दूसरे को तकलीफ ही दोगे। लिमरा से बात करने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया भाई, कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।